तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाओ छाव तू चल पड़ी, पगडंडियों पे गाँव की। अच्छा वैसे मैं ये कहने आई थी कि आज चेयरमैन साहब हमारे साथ लंच करें, और हाँ डब्बा वो तुम्हारा ही खाएंगे। ये टिफिन ना सीधा साहब के हाथ में दीजिएगा। हाँ ठीक है जी, मैं चलता हूँ। I love you मनोहर। हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, हमें भरोसा है अपने आप हम इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। तो सावी के साथ तुम्हारी मीटिंग इंटरेस्टिंग रही? सावी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, एक्ट्रेस है, मर्दों को पटाने के उन्हें बहुत तरीके आते हैं। खैर अपने अपने एक्सपर्टीज की बात है, पर एक बात है, शी इज द बेस्ट ऑप्शन। अप्रूव्ड एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दो ना, विल स्टार्ट आवर वर्क अर्ली। मार्केटिंग हम खुद करेंगे क्योंकि मार्केटिंग हमें कुछ ही शहरों में करनी है। स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल तुम मुझे सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग रीजंस दो कि हम सैवी को इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों लें। अभी मैं तुम्हारे साथ कॉफी एंजॉय करने बैठी हूँ, अभी दिमाग पर जोर डालने वाली बातें मत करो प्लीज। एंड यू डिसाइड इट्स योर कॉल, मैं तो बस सजेस्ट कर रही थी। बट तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें मत किया करो, हाँ मुझे जलन होती है। अभी हमारी भी बातें कर लिया करो, मैं खूबसूरत नहीं लगती तुम्हें? ऑफ कोर्स तुम खूबसूरत हो। काश ये बात तुमने दिल से कही होती। आपके लिए नहीं, मैं खाना खाकर आया हूं, तुम खा लो। ये क्या है? तुम्हारी रांची की फ्लाइट की टिकट। कल 11:40 की फ्लाइट है, तैयार रहना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ूंगा। और खाना खा लेना। आस है टूटी या फिर सांसे, आस है टूटी या फिर सांसें,
वक्त तू ही बता क्या बिखरा है। मुझे नहीं पता कि मेरा ये कदम सही है या गलत है, पर इतना जरूर पता है कि मेरा ये फैसला एक सही नतीजे तक ही पहुंचेगा। आपका फैसला हम नहीं माने, इतनी हिम्मत कहाँ है हमें? हम वापस चले जाएंगे, लेकिन बेदखल होके नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में शामिल होके। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किसी रिश्ते की कल्पना ही नहीं की है। तुमने खाना खाया? नहीं, हमें भूख नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। क्या आपने कभी अपने मन के खिलाफ कोई काम किया है? तो क्या एक बार फिर अपने मन के खिलाफ कोई फैसला ले सकते हैं? मतलब? डरिए मत, ये फैसला आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप कुछ दिन और आप हमें रहने देंगे? देखो, मैं नहीं जानता तुम जो कर रही हो वो सही है या गलत। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारे रिश्ते का सिर्फ एक नतीजा हो सकता है, और वो नतीजा है तुम्हारा और मेरा अलग होना। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? हम चाहते हैं कि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए कि आप हमारे नहीं हो सकते, ताकि जब हम यहां से जाएं तो हमारे मन को कोई अफसोस ना हो। तो मुझसे क्या चाहती हो तुम? बस कुछ दिनों का साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें एक मौका दें आपके दिल में जगह बनाने के लिए। शायद कुछ दिनों की मौजूदगी आपके नजरियों को बदल दे और हम 7 जन्मों के लिए कुछ। तुम जो बातें कर रही हो वो बचकानी है। हम जानते कि हमारे बात ही बचकानी है, लेकिन आप ही बताइए, समझदारी की बातें करके हम
हमें कुछ हासिल होने वाला है। जब आपको खोना ही है तो हम एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। बाकी अगर हम आपके दिल में जगह नहीं बना पाए तो हम खुद आपकी जिंदगी से बेदखल हो जाएंगे। फिर ये रिश्ता ना आपको परेशान करेगा और ना हमें। देखो, मैं नहीं जानता तुम जो कर रही हो वो सही है या गलत। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारे रिश्ते का सिर्फ एक नतीजा हो सकता है और वो नतीजा है तुम्हारा और मेरा अलग होना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसे स्वीकारने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन देता हूं। भेजो तुम्हें जो ठीक लगे वो भेज देना। जी अच्छा। तुम्हारे 15 दिनों में से आज एक दिन कम हो गया, याद रखना। आज से बहुत मुश्किल इम्तिहान शुरू हुआ है हमारी जिंदगी में। हम इस इम्तिहान को पास करना चाहते हैं बस। देव का फोन नहीं आएगा मेरे पास, ये मैं जानती हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि ये असाइनमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। पर कब मिलेगा ये असाइनमेंट? अब तो लॉन्चिंग डेट भी आ चुकी है। आ गई है तो लॉन्च भी हो जाएगी। देखो तुम समझ नहीं रही हो, देव से एक मीटिंग के बाद तुम्हें इस तरह से हाथ पे हाथ धर नहीं बैठना चाहिए। क्या है, उस इंश्योरेंस कंपनी को अंदर करने के लिए ना बहुत सारे एजेंसी ट्राई कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। प्लान सुनो, तुम देव से एक बार मिली, वो भी कैसे, मतलब जैसे कोई खूबसूरत हादसा हो। अब इसी हादसे को बार 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 बार। हादसे रोज रोज नहीं होते झुनुकलाल जी, और देव जैसे इंसान को अंदर करना हर किसी एजेंसी की बस की बात नहीं है। अच्छा, दो ही मुलाकातों में बहुत अच्छे से जान गई हो देव को। जान तो गई हूँ। बस तो फिर यही तो चाहिए, और जानो, बहुत कुछ जानो। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, तुम। हाँ करूंगी, साप उतावले मत होइए, और देखते जाइए कि सैवी क्या क्या करती है। तुम्हारे 15 दिनों में से आज एक दिन कम हो, याद रखो। भाभी अभी बस भी करो, कोई फायदा नहीं हुआ ना, अभी वक्त है। मेरी भाई की जिंदगी नरक मत करो, छोड़ दो उसका घर, समझी कि नहीं, वापस आ जाओ इसी नरक में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके भैया और हम में कोई मेल नहीं है, लेकिन ये बेमेल रिश्ता, रिश्ता तो है। हाँ हम बहुत तुच्छ, लेकिन देख लीजिएगा एक दिन इस बेमेल रिश्ता को स्पेशल रिश्ता बना के रहेंगे। ये 15 दिन मेरी जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है। इन 15 दिनों में हमें भी ये जानना है क्या वाकई में हम इनके लायक नहीं। हाय, अंदर आ सकते हो? हाँ हाँ आइए ना। थैंक यू। घर तो बहुत अच्छा सेट कर लिया तुमने, और आजकल नल का भी नहीं खुला छोड़ती हो। बैठे ना। और बताओ देव कैसे है? वो अच्छे हैं। और तुम? हम आपके लिए नींबू पानी बना के लाए, हम बहुत अच्छा बनाते हैं, अभी नहीं, 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 नहीं। मुझे पता है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हो, मुझे बस ये जानना है कि तुम कैसे। आज से बहुत मुश्किल इम्तिहान शुरू हुआ है हमारी जिंदगी में, हम इस इम्तिहान को पास करना चाहते हैं बस। मैं देव से मिली थी, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जानते हैं। जानती हो, और फिर भी ये इम्तिहान पास करना चाहती हो? I'll pray कि तुम पास हो जाओ। और अब नींबू पानी चले। इस दिन आप ही खाएंगे ना? क्या मतलब? अपने चेयरमैन साहब है ना, वो भी आपका ही टिफिन खाते हैं, तो मैं दो टिफिन ले आऊं। अरे हाँ पांडे, क्या बात है, मैगजीन पढ़ रही हो? अरे जाके जल्दी से टिफिन का डब्बा लेके आओ, आज चेयरमैन साहब आने वाले हैं। चेयरमैन साहब आने वाले हैं? ऐसा है मंगेश, उनका डिब्बा त्रिपाठी लेके आता है। हाँ पांडे, अरे चेयरमैन साहब का डब्बा तो हम ही लेके आते हैं।
लेकिन आजकल लंच में चेयरमैन साहब अपना टिफिन खाते ही नहीं। अपना नहीं खाते हैं तो फिर किसका खाते हैं? तुम्हारे साहब का। आजकल उस टिफिन का स्वाद सर के जुबान पर चढ़ गया है। मतलब टेप साहब का टिफिन चेयरमैन साहब खाते हैं? अरे हाँ, चेयरमैन साहब के केबिन में टिफिन में ही रख के आता हूँ, तुम जाके लेके आओ। हाँ देख लो, आप तुम दोनों देख लो, मैं काम से जा रही हूँ। टेप साहब टिफिन खाते नहीं? ये बात मैडम को पता चलेगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको ये बात मैडम को बतानी नहीं चाहिए। लेकिन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो टिफिन खुद खाते थे। हम तुमको कब से फोन कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रही थी? अरे बाबा पता नहीं चला, साइलेंट था ना। तुम्हारी लाइफ भी ना साइलेंस मोड पर अब जाने लगी है। जल्दी से देखे साथ फेरे ले ले, नहीं तो मेरी तरह फेरे में पड़ जाएगी। क्यों, क्या हो गया? होगा क्या भाई, माँ और बाबूजी का घिसा पिटा अलाप शुरू हो गया। हमारे ब्याह की धुन की सवार हो गई है उन लोगों को। ये सब चरस अनुदामनी भूखी गई है। तुम मुद्दे की बात क्यों नहीं करती हो? बोलो ना, किस लिए फोन किया है? हमको मुंबई आना है तो हमारे रहने का इंतजाम कर। मैं बोल रही हूँ कि रहने की कोई दिक्कत नहीं है, हमने घर ले लिया है, इंडिपेंडेंट वो भी। तुम जब चाहो हमारे साथ आकर रह सकती हो। थैंक यू। हाँ हेलो। नहीं ठीक है, वो मीटिंग पोस्टपोन कर। ओके। साहब हम टिफिन लेने जा रहे हैं। ठीक है जाओ। साहब टिफिन आप ही खाएंगे ना? क्या मतलब? मतलब अपने चेयरमैन साहब है ना, वो भी आपका ही टिफिन खाते हैं, तो मैं दो टिफिन ले आऊं? नहीं, दो टिफिन लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मैं एक ही टिफिन लेकर आऊं। जी हमारे लिए। आपके हाथों का खाना साहब को अच्छा लगता है? काजल सुना तुमने पांडे जी ने क्या कहा, उन्हें हमारे हाथों का खाना अच्छा लगता है। हाँ बेबी साहब, मैंने कहा था ना, खाने के साथ साथ उनको तारीफ करने की भी आदत पड़ जाएगी।